आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर किसान डिग्री कॉलेज बहराइच में ICLM इंस्टीट्यूट द्वारा हिंदी पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सत्यभूषण सिंह ने बताया। जिले के 9 वरिष्ठ दिग्गज पत्रकारों को सम्मानित किया गया। जिले के वरिष्ठ पत्रकार दूरदर्शन के प्रतिनिधि जयचंद कुमार सोनी जी, हिंदुस्तान हिंदी दैनिक के पत्रकार प्रमोद शुक्ल, दैनिक जागरण के पत्रकार मुकेश पांडेय, जनमोर्चा के पत्रकार हेमंत मिश्र, अमर उजाला के पत्रकार वीरेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार सतीश श्रीवास्तव, विश्व फलक के पत्रकार विजय द्विवेदी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉक्टर SP सिंह ने बताया। और हमारी संस्कृत में रची बसी है, लेकिन 14 सितंबर 1949 को पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो उसकी याद में हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस समय इस तिथि को हम प्रतिवर्ष या तो हिंदी की सेवा करने वाले पत्रकारों को, हिंदी की सेवा करने वाले साहित्यकारों को और विशेषकर जनपद में जिन्होंने काम किया है ऐसे लोगों को सम्मानित करने का प्रयास करते हैं। तो इस बार हम सभी ने जो जनपद के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं उनको हिंदी दिवस पर सम्मानित करने और उनके विचार हिंदी के बारे में सुनने के लिए छोटा सा आयोजन किया था, गोष्ठी आयोजित की थी और इसमें सबको पुरस्कृत करने के साथ साथ इसमें गुजरात की भी सार्वजनिक संस्था है जिसकी तरफ से भी हमें प्रेरित किया गया था और इसमें एक उच्च कोटि के साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की पुस्तक भी उनको भेंट स्वरूप उस समय दी गई क्योंकि साहित्य के बाद थी। तो बाकी अभी परिचर्चा में बातचीत जो सामने आई है, सामने क्या आई, मैंने भी अनुभव किया है इधर G20 सम्मेलन के दौरान कि दुनिया भर से आए हुए पत्रकारों ने हिंदी का जो प्रचार प्रसार दुनिया भर में बढ़ रहा है इसकी तरफ संकेत किया। पत्रकारों को सम्मानित करने का किया था हम लोगों ने, तो इस तरीके से प्रयास ये होता है कि हिंदी दिवस पर साहित्यकार और साहित्य तो पूरे देश में चर्चा होती है कि हिंदी दिवस क्यों